हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल यादव है और हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। काफी लोगों का सवाल होता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इजीली ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे रास्ते हैं ऑनलाइन अर्निंग के, पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोटल ऐसी 5 चीज जहाँ से आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया के अलावा आप कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चीज है फ्रीलांसिंग के बारे में। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग एक स्किल बेस्ड जॉब है जहां आप अपने स्किल के आधारित काफी अच्छा सा अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाऊंगा। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तब सिर्फ उस कंपनी के लिए ही काम करते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आप कई सारी कंपनियों के साथ जुड़े रहते हैं और आप वहां उसके साथ काम करते हो, इसलिए आप वहां से घंटे के हिसाब से अपना चार्ज ले सकते हो। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसी कई सारी वेबसाइट है जहां पर जाके आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और आप वहां से अपना काम शुरू कर सकते हो। जैसे कि outfield.com हो गया, upwork.com हो गया, ये सारी वेबसाइट काफी सरल है और काम करने के लिए काफी ट्रस्टेबल भी है। तो आप अभी जाइए वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। ओके, तो सेकंड नंबर की बात करते हैं, स्टार्ट योर ओन वेबसाइट। काफी लोग इसका टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब ठीक समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका बेसिक फंडा यही है, वेबसाइट बनाओ, सेल करो और प्रॉफिट कमाओ। तो आपको आईटी सेक्टर में काफी अच्छा सा नॉलेज है, अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप कुछ मत कीजिए, वेबसाइट बनाइए और ऐसी कई सारी वेबसाइट है वहां पर जाके आप अपनी वेबसाइट को सेल कीजिए। जैसे कि fenternational.com हो गया, वहां पर जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे $50,000 से लेकर $20 मिलियन यानी कि 30 लाख से लेकर 12 करोड़ रुपए तक प्राइस मिली है काफी सारी वेबसाइट को, यानी ये प्रॉफिट कमाने का काफी अच्छा सा जरिया है। तो आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप वहां पर जाइए और अपनी वेबसाइट सेल कीजिए। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो वो है एफिलिएट मार्केट के बारे में। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि एफिलिएट मार्केट बेसिकली है क्या। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो या किसी भी सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन चीज आप बेच के आप काफी अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो। हमारे देश में काफी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे मिलकर एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसे हम एफिलिएट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वहां पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहां जो आप चीजें बेचोगे दूसरे बंदों को, अगर कोई बंदा उस चीज को खरीदता है तो आपको उसका कुछ कमीशन मिलता है। अगर आप हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, तो आप यहाँ से काफी अच्छा से इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो वो है सर्वे, रिसर्च एंड रिव्यू के बारे में। कई सारे लोगों ने ये टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गूगल आपको कई तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है आपको पैसा कमाने का, उसमें से यह एक तरीका काफी प्रचलित है। अगर सर्वे की बात करें, काफी सारी बड़ी वेबसाइट होती है जो लॉन्च होने से पहले आपके पास आती है उसका सर्वे के लिए। अगर आप वो सर्वे ऑनेस्टली करते हैं तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है जिसकी प्राइस $2 से लेकर $75 तक हो सकती है, यानी ये काफी घर बैठे काफी आसानी से पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका है। नंबर की बात करें तो वो है वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। काफी लोगों को पता होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट है क्या। जैसे कि हमने पहले बात की फ्रीलांसिंग के बारे में, उसमें आप स्किल बेस पे जॉब ले सकते थे, पर यहाँ पर आप स्किल बेस के साथ आपको डिग्री की भी जरूर होगी क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ काम करना होता है, जैसे कि ब्लॉगिंग मैनेजमेंट हो गया, किसी वेबसाइट का मैनेजमेंट हो गया। अगर आप इंटरेस्टेड है और आपके पास अच्छी सी डिग्री है और आपके पास अच्छा सा स्किल भी है तो आप यहाँ पे जाके लॉगिन कीजिए और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो गुड बाय, अगली वीडियो में हम सब मिलते हैं। बाय बाय।